भारत के कूटनीतिक दबाव के आगे चीन को पीछे हटना ही पड़ा है। पिछले 3 हफ्तों से भारतीय सीमा में डेरा डाले चीनी सैनिकों ने आखिरकार वापस जाने का फैसला किया। रविवार शाम फ्लैग मीटिंग में ये समझौता हुआ है। आखिरकार पीछे हटा चीन। ड्रैगन की ठसक पड़ी ठंडी। लौटना पड़ा चीनी सेना को। कामयाब हुई हमारी कूटनीति। चीन का यह फैसला अचानक लिया गया जरूर लगता है, लेकिन 3 हफ्ते पहले की उसकी हरकत पर भारत ने धीरे धीरे दबाव बहुत बढ़ाया था और तब कहीं जाकर भारतीय सीमा से चीन ने अपनी फौज वापस बुलाई। असल में इस सरहद को तोड़ती हुई चीनी फौज लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में घुस आई थी। करीब 50 चीनी सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन कर भारतीय सीमा में 19 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे। इतना ही नहीं, वो सब बाकायदा तंबू लगाकर डेरा भी डाल बैठे थे। इस मुद्दे पर फौजी स्तर पर 4 बार बातचीत भी हुई, लेकिन चीनी फौज टस से मस नहीं हुई। जवाब में भारत ने भी चीनी टुकड़ी से 300 मीटर की दूरी पर अपनी फौज का जमावड़ा बढ़ा दिया था। दुनिया भर से भी चीन पर दबाव बढ़ने लगा था। चीन की घुसपैठ पर सख्ती से निपटने की आवाज भी उठने लगी थी। चीन की नाजायज हरकत पर भारत ने कड़ा रुख भी अख्तियार किया था। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद 9 मई से शुरू होने वाली बीजिंग यात्रा पर दोबारा विचार कर रहे थे। चीनी प्रधानमंत्री का दौरा भी संकट में घिरता दिख रहा था। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत की इन्हीं सख्ती और दुनिया के बने दबाव के आगे चीन को पीछे हटना पड़ा। दिल्ली से रितुल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।